मुझे बच जाने दो शास्य। सरताज, ये तुमने क्या किया सरताज? ये सब कुछ करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि कोई तुम्हारी खुशी के लिए जिंदा था, वरना मुझे तो शादी के बाद ही मर जाना चाहिए। अब तुम नहीं हो तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम्हारे साथ साथ तो जिंदगी की लाश कांधों पर लिए फिरती रही हूँ, मगर अभी बोझ मैं नहीं उठा सकती सरताज, नहीं उठा सकती सरताज, नहीं उठा सकती। आ गए आप, अपनी पेशानी पर शिकस्त का परचम लहराते हुए। तलक साहब, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, समझे? मुझे तुमसे हमदर्दी है तलक, मैं इससे ज्यादा कुछ और कहना नहीं चाहता। सलमान, तुम्हें गलतफहमी हो गई है सलमान, शाजिया मुझसे बेपना मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती, प्यार, उल्फत, इश्क, ये सब आजकल के दौर में फालतू औकात में है दिल के बहलाने का। लेकिन सलमान, सलमान वो मेरी खातिर जान भी दे सकी। जान? मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगी? मेरी जान का क्या मेरी जान होगा, जो खुद ही परेशान हो जिंदगी से, उसे जो भी लेगा परेशान होगा। जानते हो सलमान उसने क्या किया? जानते हो सलमान उसने क्या किया? उसने मेरे बहते हुए खून को अपने हाथों से अपनी मांग में सजा लिया। इससे बढ़कर उसकी वफादारी का और क्या सबूत हो सकता है? वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती सलमान। अगर मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया होता तो वो जान दे देती। लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। आग और पानी का मिलाप नामुमकिन है। शाजिया तुम्हारे साथ हमदर्दी, वो उस बेबस बेजबान परिंदे की तरह तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है जिसके चारों तरफ जाल फैले में। अगर तुम्हें शाजिया की वफादारी पर एतमाद है, उसकी मोहब्बत पर यकीन है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। तुमने उसे इस घर की चार दीवारी में कैद कर रखा है, तो उसे इस घर की चार दीवारी से आजाद करके देखो, यकीनन तुम्हें भूल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा है और ऐसा होकर रहेगा। अगर शक है तो शाजिया को एक बार खुली फजा में घूमने फिरने का मौका देकर देखो। अगर शाजिया की नजरें बदली हुई नजर ना आए तो मैं समझूंगा कि दुनिया से जज्बात और एहसास खत्म हो चुके हैं। आज तक किसी दोस्त ने और तो सब कुछ किया होगा, लेकिन अपनी बीवी को आजमाने की इजाजत नहीं दी होगी। मुझे अपनी मोहब्बत और शाजिया की वफादारी पर पूरा यकीन है। मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना समझ लो, शाजिया मेरी अमानत है। मैं तुम जैसा बेहिस इंसान नहीं हूं तलत, मैं किसी की मजबूरी से फायदा उठाना अपनी तौहीन समझता हूं। मगर शाजिया, सलमान कोई गैर तो नहीं है जो तुम उससे इस तरह छुपी छुपी रहती हो? ठीक है, गलत फहमी थी जिसे अब दूर हो जाना चाहिए। वो भी क्या सोचता होगा, कुछ भी हो शाजिया, हमें अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने आज तक आपके दोस्त के साथ कोई गैर अखलाक की बात नहीं की। देखो शाजिया, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं आज हूं, सलमान के साथ कहीं आ जा नहीं सकता, वो भी मेरी तरह कैद होकर रह गया है। तुमको चाहिए कि तुम